इसलिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, कई सारे लोग कंफ्यूज हैं और ये टेस्टिंग को लेकर के, इसके प्रोसेस को लेकर के, नया प्रोटोकॉल एंड वहाँ पर क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। हमारे एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्टिंग और RT-PCR टेस्टिंग दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा RA टेस्टिंग जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिपार्टिंग यहाँ से बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए और अराइविंग पैसेंजर्स मतलब जो बाहर से यहाँ आते हैं, और फिर उसमें भी फर्दर सेग्रीगेशन किया जाता है कि इंटरनेशनल पैसेंजर है या डोमेस्टिक पैसेंजर है, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले मैं आपको जो बाहर से आने वाले पैसेंजर हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो भी बाहर से पैसेंजर यहाँ आते हैं उनकी यूटी गवर्नमेंट ने 100% टेस्टिंग कंपलसरी की हुई है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो जो डोमेस्टिक पैसेंजर हैं जो भारत के ही अलग अलग हवाई अड्डों से आते हैं यहाँ पर, वो अगर डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आते हैं या फिर उनके पास पिछले 72 घंटों में 72 आवर्स में RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट है, तो उनको इस टेस्टिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और वो अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जम्मू से, जो कि यूटी में ही आता है, जम्मू से कोई पैसेंजर आ रहा है या फिर वो आर्म्ड फोर्सेस का है तो उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा अगर कोई पैसेंजर आते हैं तो उनकी 100% RT-PCR टेस्टिंग या RA टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद उनको घर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सर, जो हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है? अगर कोई शारजा से या मतलब इंटरनेशनल पैसेंजर कोई आता है तो उनकी यहाँ पर 100% टेस्टिंग की जाती है। उसके दो तरीके यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक तो है RT-PCR टेस्टिंग का। RT-PCR टेस्टिंग यहाँ पर यूटी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अपनी डिटेल देनी है, आप RT-PCR टेस्टिंग में अपना सैंपल दीजिए। सैंपल देने के बाद आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा जब तक कि वो रिपोर्ट ना आ जाए। तो रिपोर्ट आने में अबाउट 36 आवर्स लगते हैं, तब तक के लिए आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। क्वारंटीन की भी आगे दो फैसिलिटी है, या तो वो पेमेंट बेसिस पर है, आपको होटल में स्टे कर सकते हैं, या फिर आपको फ्री फैसिलिटी यूटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। अगर आप क्वारंटीन में नहीं रहना चाहते तो उसके लिए हमने एक काउंटर लगाया हुआ है रैपिड PCR टेस्टिंग का। तो रैपिड PCR टेस्टिंग की पेमेंट है 3,080 रुपए। आज से ही इसको शुरू किया गया है, आज पहला दिन था जी। तो बाहर से मतलब इंटरनेशनल जो पैसेंजर आते हैं उनके लिए, तो जैसे आज 60 पैसेंजर आए तो उन सभी ने ऑप्ट किया कि हम तो क्वारंटीन में नहीं जाएंगे, हमें तो आप ये रैपिड PCR टेस्टिंग ही करवा दो जी। तो उनकी टेस्टिंग की गई, उसके बाद उनका इमिग्रेशन किया गया, कस्टम किया गया और उसके बाद में उनको अपने घर जाने दिया गया क्योंकि सारे ही नेगेटिव थे। सर, कुल मिलाकर के इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ये तो पूरी प्रोसेस को सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और ये वास्तव में रियलिटी में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो टाइम लग जाता है इसमें, पर हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे या 90 मिनट्स में सारे पैसेंजर टेस्टिंग से भी, इमिग्रेशन से भी, कस्टम से भी फ्री हो जाएं और अपने अपने घर चले जाएं। नॉर्मल टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम इसमें कुछ नहीं लगता। इस एयरपोर्ट के ऊपर जब आप आए तो मास्क पहने रखें, और अगर आप मास्क नहीं पहनते तो हमने यहाँ पर पेनल्टी का भी सिस्टम रखा है कि कहने के बाद भी आप मास्क नहीं पहनते या कुछ इस टाइप की शरारत करते हैं तो 500 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और वो आपको देनी पड़ेगी। डिपार्चर की जब हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आपको शारजा एयरपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। शारजा एयरपोर्ट की फ्लाइट यहाँ से जाती है और उनकी जरूरत ये है कि जो भी पैसेंजर यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़ता है उसको पिछले 72 आवर्स में, मतलब फ्लाइट बोर्ड करने से पहले 72 आवर्स में एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट उसके पास होनी ही चाहिए। तो वो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही एयरपोर्ट पर आए। और उसके बाद शारजा एयरपोर्ट की एक और रिक्वायरमेंट है कि ये नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद
एयरपोर्ट के ऊपर दोबारा एक बार वो रैपिड आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी करवाए और वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। ओके। तो ये डबल डबल रिपोर्ट का कई लोगों को पता नहीं होता, उससे रश बढ़ जाता है। तो उसी रश की शायद जब आपने इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत की तो शायद आप उसी रश की बात कर रहे थे जी। कि जब लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि शारजा एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और उनको बताया जाता है कि भाई ये उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करो, तो फिर उसमें वो लाइन थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन हम सभी को ये जानकारी ट्विटर पर भी हमने दी है, ट्विटर पर भी सबको ये बोला गया है, कोई पैसेंजर बुकिंग करता है उसको भी उसको बोला जाता है, लेकिन कोई एजेंट के थ्रू आ जाता है या कहीं और से इंटरनेट से बुकिंग करता है तो शायद वो नहीं जानते, तो उनको ये डिफिकल्टी हो सकती है। जब ये दोनों नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती हैं आरटीपीसीआर की भी और रैपिड की, तो रैपिड पीसीआर की भी, तो उसके बाद उनका इमिग्रेशन और कस्टम करके उनको हम फ्लाइट के ऊपर बिठा देते हैं और शारजा के लिए चले जाते हैं। तो प्रोसेस थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और श्रीनगर एयरपोर्ट की ये यूनिक है क्योंकि सिर्फ यही एक स्टेट है जहां पर कि 100% टेस्टिंग की जा रही है सभी यात्रियों की, सभी पैसेंजर्स की, और बाकी एयरपोर्ट्स पर ऐसा नहीं है। और इसका अच्छा रिजल्ट ये निकला है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है जरूर होती है, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला है कि बाकी सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर इस डिजीज का प्रीवेलेंस सबसे कम है, जिसके लिए हम हमारे मुसाफिरों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और आगे भी करते रहेंगे, और इस स्टेट को, अपनी ब्यूटीफुल स्टेट को, ब्यूटीफुल सिटी को हम ब्यूटीफुल ही रखेंगे और इस डिजीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।